हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आप दिलीप सर साइंस इंग्लिश, स्वागत करता हूं। मैं दिलीप मिश्रा आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश यूनिट 4 रीड टू ब्लाइंड डीप फिश बाय आनंद आचार्य, स्वामी श्री आनंद आचार्य। दोस्तों, ये 12वीं कक्षा की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का रीड 2। रीड 1 में हमने द एडजस्टमेंट, नाना नानी की कहानी पढ़ी, और उसके बाद ये रीड 2 छोटी सी पोयम है, ब्लाइंड डीप फिश, अंधी बहरी मछली, बाय आनंद आचार्य, स्वामी आनंद आचार्य। कौन है ये स्वामी आनंद आचार्य? पश्चिम बंगाल में बर्न हुए स्वामी आनंद आचार्य इज अ ग्रेट सेंट, फिलासफर, योगी, पोएट, वाट एवर यू वॉन्ट टू से, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। बहुत ही बड़े साधु हैं, साधु थे, अब है नहीं, संत हैं, योगी कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं, फिलासफर कह सकते हैं। इनके द्वारा रिटन ये कविता है। हालांकि ये पोएम तो बहुत छोटी है दिखने में, लेकिन अक्सर जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका अर्थ बहुत बड़ा होता है, उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। तो स्वामी श्री आनंद आचार्य की वैल्यू आप स्वामी विवेकानंद के इक्विवेलेंट लगा सकते हो, जैसा कि स्वामी विवेकानंद का संसार में जो वैल्यू है, जो प्रशंसा है, जो लोग उन्हें समझते हैं, मानते हैं, उनके ज्ञान को समझते हैं, वैसा ही कुछ आनंद आचार्य का भी है। और आनंद आचार्य का जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था, और फिर बाद में फॉरेन में नॉर्वे में गए वहाँ पर, और अपने नॉलेज को, देश के धर्म को, संस्कृति को वहाँ पर फैलाया, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। तो इस पोयम में आनंद आचार्य ने क्या बताने का प्रयास किया है, क्या अर्थ छुपाया हुआ है, इसमें हम ट्रेस करने का, समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं बच्चों। दिस पोयम ब्लाइंड डीप फिश, अंधी बहरी मछली। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 4 रीड 2 ब्लाइंड डीप फिश बाय आनंद आचार्य, स्वामी श्री आनंद आचार्य। दोस्तों, पोयम बहुत छोटी है, लेकिन इसमें अर्थ कहीं ना कहीं बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। पहले हम इस पोयम को वर्ड टू वर्ड, इसका मीनिंग, इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। फिर जो इसका फिलोसफिकल, जो दार्शनिक अर्थ है, उसको भी समझने का, ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई साधारण आदमी लिखता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी लिखता है तो कहीं ना कहीं उसमें वो छोटा अर्थ नहीं होता है, छोटी चीज़ बहुत बड़ा रहस्य रखती है। सो वी विल ट्राई टू ट्रेस दिस मीनिंग, समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लाइंड डीप फिश, ब्लाइंड अंधी, डीप बहरी, फिश मछली, अंधी बहरी मछली। इन अ डार्क केप, इन अ डार्क केप, डार्क का मतलब अंधेरी, इन अ डार्क केप, एक अंधेरी गुफा में, केप मतलब गुफा, इन अ डार्क केप, एक अंधेरी गुफा में, फ्लोज, फ्लोज मीन्स बहता है या बहती है, अ डार्क रिवर, डार्क का मतलब अंधेरी नदी, नदी तो अंधेरी नहीं होती है, डार्क से मतलब आप काली समझ सकते हैं या धुंधली समझ सकते हैं। इन अ डार्क केप, एक अंधेरी गुफा में, फ्लोज अ डार्क रिवर, एक धुंधली नदी बहती है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक देयर सिट्स अ मैन, इन अ डार्क केप, एक अंधेरी गुफा में, फ्लोज अ डार्क रिवर, एक धुंधली या काली नदी बहती है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक, आप कहोगे कि मान लो, चलो ये समझ में आया कि गुफा अंधेरी है, उसमें रिवर डार्क कैसे है? तो दोस्तों, आपको पता है कि जो पानी होता है, वाटर होता है, आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, वैसा ही इस वाटर का कलर भी, पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। आपने समंदर का, सी का पानी देखा होगा, कहीं पर आसपास का वातावरण जैसा है, वाटर ब्लू दिखता है, ग्रीन दिखता है, मटमैला दिखता है।
तो इसी तरह से ये जो केव है, जो गुफा है, वो अंधेरी है, काली है। इसकी वजह से जो पानी है वो भी कैसा है, डार्क है, धुंधला है, काला है। इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, एक अंधेरी गुफा में एक धुंधली नदी या काली नदी बहती है। एंड ऑन स्टोनी बैंक, स्टोनी मीन्स पथरीले, स्टोन मीन्स क्या होता है बच्चों, पत्थर, और बैंक मीन्स नदी का किनारा, रिवर नदी के किनारे को क्या बोलते हैं, बैंक। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक, तो यहाँ पर स्टोनी वर्ड कैसा है, एडजेक्टिव है। जैसे रिवर कैसी है, डार्क है, ठीक है, केव कैसी है, डार्क है, वैसे नदी का किनारा कैसा है, पथरीला है, पत्थरों भरा है। इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, अंधेरी गुफा में एक काली या धुंधली नदी बहती है। एंड ऑन स्टोनी बैंक्स देयर सिट्स अ मैन, और इसके पथरीले किनारों पर देयर सिट्स अ मैन, वहां पर एक आदमी बैठा है। कैसा आदमी है, ओल्ड एज द सन आर ओल्डर, ओल्ड बूढ़ा है, कितना बूढ़ा है, एज द सन सूर्य के जितना है, आर ओल्डर अथवा इससे भी ज्यादा है। सूर्य कितना है, अभी तो सूर्य बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है, हमको पता ही है। डायनासोर की एज की बात कर लें, डायनासोर के युगों से भी, 10,000 करोड़ वर्ष से या उससे पहले से भी सूर्य कितना है, ओल्ड है, पुराना है। और ये आदमी जो नदी के किनारे पर बैठा है वो सूर्य के जितना ही ओल्ड है, बूढ़ा है, या उतना ही क्या है, पुराना है। क्या कर रहा है, वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो आर ओल्ड। देखो जो बूढ़ा व्यक्ति नदी के पथरीले किनारे पर बैठा है वो क्या कर रहा है, वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो, वीविंग मतलब बुन रहा है, अ यार्न ऑफ रेनबो, रेनबो मतलब पता ही आपको, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के धागों को क्या कर रहा है, बुन रहा है। एंड और क्या कर रहा है, एंड ह्यूमिंग अ सॉन्ग, और साथ साथ में गीत भी गुनगुना रहा है। ह्यूमिंग का मतलब जब धीरे धीरे हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिंग। तो पथरीले नदी के किनारे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है, वो कितना बूढ़ा है, सूर्य के जितना बूढ़ा है या उससे ज्यादा भी बूढ़ा है। और वो कर क्या रहा है, वो इंद्रधनुष के धागों को बुन रहा है, ह्यूमिंग अ सॉन्ग, और वो क्या कर रहा है, एक गीत गुनगुना रहा है। बट द ब्लाइंड डीप फिश दैट स्विम इन द स्ट्रीम, किंतु जो अंधी बहरी मछली है जो नदी में क्या कर रही, स्ट्रीम नदी में जो तैर रही है, सी नाइदर यार्न नॉर हियर हिज एवर लास्टिंग सॉन्ग। लेकिन जो नदी में तैर रही अंधी बहरी मछली है, दैट स्विम इन द स्ट्रीम, जो नदी में तैरती है न, जो नदी में तैरती है, सी नाइदर यार्न नॉर मैन, न तो वो धागे के देख पाती है और ना ही उस व्यक्ति को देख पाती है, नॉर हियर हिज एवर लास्टिंग सॉन्ग, न ही उसके अनंत तक या कभी न खत्म होने वाले गीत को भी नहीं सुन सकती है। फिर से एक बार देख ले पूरे पैराग्राफ को, फिर हम इसके जो दार्शनिक अर्थ है उसको समझने का, ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, एक अंधेरी गुफा में एक धुंधला गहरा काला पानी, काली नदी बहती है, धुंधली नदी बहती है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक, और इसके पथरीलों किनारों पर देयर सिट्स अ मैन, एक आदमी बैठा है। कैसा है, ओल्ड एज द सन आर ओल्डर, वृद्ध कितना है, सूर्य के जितना अथवा इससे भी ज्यादा वृद्ध है। बीविंग ए यार्न ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के धागों को बुन रहा है। एंड ह्यूमिंग अ सॉन्ग, बस केवल धागों को नहीं बुन रहा है, साथ साथ में गीत भी गुनगुना रहा है। बट द ब्लाइंड डीप फिश दैट स्विम इन द स्ट्रीम, किंतु जो नदी में अंधी बहरी मछली तैर रही है, सी नाइदर यान नॉर मैन, चूंकि वो क्या है, अंधी है, बहरी है, न तो वो धागे को देख पा रही है, न तो आदमी को देख पा रही है, और न ही उसके अनंत काल तक कभी न खत्म होने वाले अनंत गीत को ही सुन पा रही है।
तो दोस्तों वर्ड टू वर्ड हमने इसका मतलब समझ लिया। अब चले थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि स्वामी आनंद आचार्य क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों स्वामी आनंद आचार्य क्योंकि एक सेंट हैं, साधु थे, योगी थे, और कहीं न कहीं उन्होंने प्रतीक इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जो डार्क केव है, डार्क केव यानी जो गहरी गुफा है, इसको कहीं न कहीं इंसानी जीवन से, संसार से तुलना करी है। जो डार्क रिवर बह रही है, जो हमारा जीवन चल रहा है, यहाँ पे जो फिश है, फिश की तुलना कंपैरिजन प्रत्येक के रूप में मनुष्य से किया है। और जो वृद्ध व्यक्ति है, जो सूर्य जितना पुराना है, वृद्ध है या उससे भी ज़्यादा है, वो कोई और नहीं है, उसको प्रतीक बनाया है, गॉड का प्रतीक बनाया है। और यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं, इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, कहा कि एक जो काली गुफा है, जीवन कैसा है इंसान का, एकदम संघर्ष भरा जीवन है, अंधेरा जीवन है, ये संसार में उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, यानी इस अंधेरी गुफा में, अंधेरे संसार में एक अंधेरी नदी बह रही है, एक काली नदी बह रही है, धुंधली नदी बह रही है, यानी इंसान का जीवन चल रहा है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक देयर सिस्टम, स्टोनी बैंक पथरीला किनारा, नदी का पथरीला किनारा, मतलब जीवन कैसा है इंसान का, संघर्ष भरा है। जीवन कैसा है इंसान का, संघर्ष भरा है, यानी जो अंधेरा दिख रहा है मनुष्य के जीवन में, ये अज्ञानता की गुफा है। डार्क के मतलब जो इंसान तो पृथ्वी पे आ गया है, लेकिन अभी भी उसके जीवन में अज्ञानता का अंधेरा है। तो अज्ञानता के अंधेरे में जो जीवन की नदी बह रही है, उसके किनारे कैसे हैं, स्टोनी बैंक हैं, पथरीले हैं, यानी जीवन कैसा है इंसान का, संघर्ष भरा है, लेकिन इस नदी के किनारे पर, उसके जीवन के किनारे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है, और वो सूर्य जितना अथवा सूर्य से भी पुराना है, क्योंकि उसी ने सृष्टि की रचना की है, वही वृद्ध व्यक्ति सृष्टि का रचनाकार है। ओल्डर वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो, यानी विभिन्न रंगों को, यानी जीवन के इंद्रधनुष को, संसार को, पर्यावरण को, नेचर को, वो क्या कर रहा है, सतरंगी बना रहा है, वो जीवन के या संसार के, नेचर के, प्रकृति के धागों को बुन रहा है। अगर हम अपनी बात करें तो हम देख सकते हैं संसार में विभिन्न रंग हैं, सात रंग क्या, अनेकों रंग हैं, और जो कहीं ना कहीं क्रिएटर ने, रचनाकार ने, ईश्वर ने, गॉड ने क्या करे हैं, बनाए हैं। दुनिया इतनी अद्भुत है, और बनाने वाला कौन है, क्रिएटर है, वो रचनाकार है। तो अज्ञानता के अंधेरे में जो, अब चूंकि अज्ञानता का अंधेरा जीवन में छाया हुआ है, इंसान उसको समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है, उसका जीवन भी उसी अज्ञानता में बह रहा है, और ये जीवन उसका कैसा है, संघर्ष भरा है, जहाँ पर उसके किनारे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, और ये वृद्ध व्यक्ति स्वयं गॉड हैं, ईश्वर हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण, नेचर, प्रकृति के ताने बाने को, विभिन्न रंगों को बुन रहे हैं, प्रकृति को बना रहे हैं, और साथ साथ में ह्यूमिंग ए सॉन्ग, एक गीत गा रहे हैं, एक गीत गा रहे हैं, मतलब वो हमसे कुछ कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं। बट द ब्लाइंड डीप फिश दैट स्विम इन द रिवर, यानी जो अंधी बहरी और जो अंधी और बहरी मछली है, यानी जो इंसान है, वो अपने स्वार्थ वृत्ति में, अपने व्यस्तता भरे जीवन में इतना ज़्यादा खो गया है कि वो अंधे जैसा हो गया है, और उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ईश्वर ने प्रकृति में क्या क्या बनाया है, क्या क्या बताना चाहता है, जीवन को जीना कैसे है, वो सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन व्यस्तता भरे जीवन में, संसार की मोहमाया के चक्कर में, इंसान उस मछली की तरह अंधा और बहरा हो गया है, जो नदी में तैर तो रही है, जीवन उसका बढ़ तो रहा है, जीवन में आगे तो चल रही है, लेकिन न तो वो धागे को देख पा रही है, न तो प्रकृति को देख पा रही है, न ही ईश्वर जो उसको बताना चाहते हैं कि दुनिया में तुम किस ले आया हो, तुम्हारा काम क्या है, न तो उसको सुन पा रहा है। अनंत गीत जो ईश्वर बता रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उसको व्यक्ति, इंसान क्या कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों वर्ड टू वर्ड एक बार फिर से कर लेते हैं, मैंने थोड़ा सा दार्शनिक अर्थ जो आनंद आचार्य
समझाना चाहते थे, थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है। हालांकि बड़े इंसान हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, उसके मन को समझाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। तो देखते हैं, इन अ डार्क के फ्लोज अ डार्क रिवर, एक अंधेरी गुफा में एक अंधेरा, अंधेरा तो नहीं कहें, इन अ डार्क के फ्लोज अ डार्क रिवर, एक अंधेरी गुफा में एक काला पानी या धुंधला, एक धुंधली नदी या काली नदी बहती है, एंड ऑन स्टोनी बैंक, और इसके पथरीले किनारों पर देयर सिट्स अ मैन, एक व्यक्ति बैठा है, ओल्ड, कैसा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, कितना वृद्ध है, एज द सन, सूर्य के जितना वृद्ध है, आर ओल्डर, अथवा इससे भी ज़्यादा है, वीविंग ए यार्न ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का धागा बुन रहा है, एंड ह्यूमिंग ए सॉन्ग, एक गीत गा रहा है, बट द ब्लाइंड डीप फिश दैट स्विम इन द स्ट्रीम, किंतु नदी की धारा में जो बहरी और अंधी मछली तैर रही है, नाइदर सी यार्न नॉर मैन, न तो वो धागे को देख सकती है, देख पा रही है, न तो आदमी को देख पा रही है, उस इंसान को देख पा रही है, और न ही उसके अनंत गीत को सुन पा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पोयम क्या होती है, इंड होती है। आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस आप तक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहुंचे। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, चैनल को लाइक करते हो, तो एक तरह से आपके द्वारा वो मेरी मदद होती है, मेरी हेल्प होती है। मैं आपकी हेल्प कैसा कर सकता हूँ? मैं आपकी हेल्प ऐसे ही बेस्ट वीडियोस, बेस्ट प्रयास से आपको पढ़ाकर सिखाकर के मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपके पार्ट से बनता है कि गुरु अगर आपको सिखा रहा है तो गुरुदक्षिणा के बदले में कुछ न कुछ दिया जाता है। तो आपकी गुरुदक्षिणा यहाँ पर क्या है? ये टोटल वीडियोस फ्री ऑफ कास्ट हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से करवा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, बस यही गुरुदक्षिणा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। थैंक यू, बाय।